चला मरी जी, आपका संपर्क कट गया था, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है, एक तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, मंशा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को तो सब कह रहे हैं कि ठीक है चलो भाई लाओ, लेकिन आप विचार नहीं कर रहे, लोगों की राय शुमारी ठीक से नहीं कर रहे। नहीं देखिए राकेश भाई, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आमतौर पर किसी भी दल पर यह आरोप लगता है कि वो अपने चुनावी वायदों को पूरा नहीं कर रही है, और यहाँ तमाम सारे विचारक बैठे हुए हैं, तमाम सारे राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, बार बार ये कहते थे साहब मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर बन गया, 370 जरूर हटाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, 370 हट गया, यूसीसी लाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब देखिए यूसीसी को लेकर बात शुरू हुई, तो घबराते क्यों हैं? और रही बात तारीख की, टाइमिंग की, तो इस देश की जनता ने हमें 5 साल काम करने का अवसर दिया है, हम चाहे पहले दिन लेके आए, चाहे 364वें दिन लेके आए, अगर आज जो आचार संहिता है, अगर जो चुनाव आयोग की जो पैमाना है उसके तहत सब कुछ हो रहा, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? और हमारी ताकत हम लेकर आते हैं, जो मैं पूरे देश को घुमाते रहेंगे क्या? त्रिपाठी जी, आपने तो सालाना 2 करोड़ रोजगार की भी बात की थी, स्मार्ट सिटी की भी बात की थी, किसानों की आयु दोगुना करने की भी बात की थी आपने, उन वादों का क्या हुआ? मेहरदीन हो गया, उन वादों का क्या हुआ? मेहरदीन हो गया, चुनावों में यही सब चर्चा होती है। अरे सुनिए, उन पर क्या किया? आपका कोई जवाब नहीं है। मेहरदीन रुक जाइए, मेहरदीन रुक जाइए, अभी सिर्फ चलमड़ी की बात होने जा रही, मनोज जी आपके पास आता हूँ। राकेश भाई नहीं तो देखिए, हम उनको आप स्टूडियो में बैठा के चिल्लवाते हैं, हम लोग दूर स्काइप से जुड़े हुए हैं, इतना आपको समझना चाहिए राकेश जी। और देखिए आप कह रहे हैं कोई जवाब नहीं है, ना जवाब तो हाजी साहब ऐसा दे रहे हैं कि तवे पर जैसे अंडे उछलते हैं ना, अंडे वैसे उछल रहे हैं हाजी साहब, अभी और उछलेंगे। जो लोग शरीयत को ऊपर बताएंगे और बाबा साहब के संविधान को नीचे बताएंगे, उनके साथ उनके खिलाफ हम खड़े हैं। बाबा साहब का संविधान सर्वोपरि है, शरीयत और उससे कोई मतलब हमारे नहीं है। आप जवाब दीजिए, शरीयत महत्वपूर्ण है, बाबा साहब जनता आपको सबक सिखा रही है, आपने बजरंग बली को भी इस्तेमाल करने का काम किया, मगर बजरंग बली ने जो साथ दिया वो कांग्रेस का दिया, आम जनता का दिया, आम नागरिकों का दिया। देश विकास चाहता है, देश पांचवी, आप विकास के एजेंडे पे काम ही नहीं कर रहे, आपका कोई कार्य नहीं है, आप कोई बता ही नहीं पा रहे, आप किस भी आपको वोट मांगेंगे लोगों ने? बार बार ये कहेंगे राम मंदिर बनवाने वाले आप कौन होते हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, आर्टिकल 370 आपने हटाया, इस बात के लिए आपको श्रेय मिल सकता है, मगर ये चीजें। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं बीच में आता हूँ, एक मिनट, सभी शांत हो जाए, मेहरदीन शांत हो जाइए। एक चलमड़ी ने सवाल पूछा, आपके लिए शरीयत ज्यादा महत्वपूर्ण या देश का संविधान? देखिए हमारे लिए हमारा संविधान सर्वोपरि है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत जो हमारे शरिया कानून है, देश नहीं चलता, हम अपना फॉलो करते हैं, पर्सनल लॉ से देश नहीं चलता है, किसी भी धर्म के संविधान हमें अधिकार देता है, आर्टिकल 29 के तहत, 29 के तहत हमें अधिकार देता है कि हम अपने धर्म की आजादी मिलती है हमें, ठीक है, हम उसे फॉलो कर सकते हैं, सब करते हैं, मैं रुक जाइए प्लीज, खास तौर से मुसलमानों के ट्रिपल तलाक रुक, मुझे मजबूरन आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, इनकी आवाज डाउन रखिए। मनोज यादव जी, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, वो तो ताल ठोककर कह रहे हैं साहब हम तो यूसीसी की बात शुरू से करते रहे, तो फिर क्यों दिक्कत है? नहीं नहीं बिल्कुल राकेश जी, बीजेपी ने जो कहा भावनात्मक मुद्दों को उसने पूरा भी किया, राम मंदिर की बात हो, 370 की बात हो, इन सारे मुद्दों पे अपने आप को प्रूव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन 15 लाख रुपए काहे नहीं दिए भैया, का गुनाह था? सरकार तो दो दो बार बनवा दी, यूपी में तो आपकी डबल इंजन की दोबारा भी सरकार बन गई 15 लाख देने में, हमने तो वादा किया नहीं था, हमने और एक बात बताऊं, अरे रुक जाओ सलाम मड़ी जी, रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ, अब तीखे सवाल पूछ ले, फिर अंडे की तरह नहीं चूजे की तरह आप उछलिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं चूजे की तरह उछलिएगा, हाँ नहीं वही में सवाल, मेरे भी जवाब ऐसे ही, जैसे आपकी करनी वैसे हमारी भरनी, हाँ चूजे की तरह उछलिएगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगे, मैं पूछ रहा हूँ, अरे सुन लो भाई, सुन लो, विपक्ष को सुनने की भी मानता नहीं है, चू चू करता है, फिर राम मंदिर पर अभी चूजा नहीं आप चूजा, प्लीज 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 सर, मैं बीच में आता हूँ, नहीं सर प्लीज प्लीज, एक मिनट, दोनों लोग की आवाज डाउन करिए, दोनों लोग की आवाज डाउन करिए, एक मिनट एक मिनट सर, आप दोनों लोगों, दोनों लोग बहुत वरिष्ठ नेता है सर, सर टेलीविजन चैनल पर ऐसी भाषा नहीं अच्छी लगती है कोई किसी को, तो सर ठीक है ना, वो अपनी बात रख रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जब यूसीसी आएगा तो भारत में तो बैन है गाय माता के लिए, तो बड़ा सम्मान है, लेकिन बीजेपी शासित नॉर्थ ईस्ट में और गोवा में
तो गाय माता वहां यमी हो जाती इनके लिए, तो क्या लाएंगे उसमें भी बदलाव लाओगे कि नहीं लाओगे, ये भी तो जनता को बताओ। आए थे मुसलमान वालों को राइट करने और दलितों पिछड़ों के आदि राइट को अनराइट कर दिया, यही तो किया ना आपने, यही तो किया। कह रहे थे हम मुसलमानों को सही कर देंगे, हम ये कर देंगे, और देश के दलित और पिछड़े वर्गों को चकनाचूर कर दिया। अभी संविधान की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, जवाब ले लो, जवाब ले लो, ठीक है, ठीक है, एक मिनट धारिश कुरैशी।